वेलकम बैक हमारे साथ हैं आज डॉक्टर सफदर सरकी जिन्होंने अमेरिका में भी काम किया है डॉक्टर हैं फिजिशियन हैं अमेरिका में फैम नॉट रॉन्ग और जी सिंध तहरीक के सदर हैं और इनकी जो स्टांस है वो लगभग ये है कि उन्नीस सौ चौवन से पहले जो सिंध में आया और अपने आप को सिंधी कहता है तो सोबिस मिल्ला वो आए और वो सिंध के अंदर रहे और वो उसके इंतबाब में शामिल हो और उसके सियासी स्ट्रक्चर में शामिल हो लेकिन उसके बाद जो लोग आते हैं वो किसी तरह कमतर हैं नहीं किसी तरह भी कमतर नहीं है अगर वो अपने आप को वाबस्ता करते हैं वो सिंध की सियासत करते हैं वो सिंध के लिए खड़े हो जाते हैं सिंध के अपने आप को बेटा कहते हैं तो हम उनको वेलकम कहेंगे लेकिन वे, वेलकम करने का मोहस भाई एक प्रोसेस होता है पूरी दुनिया में है अगर आप अमेरिका की भी सिटीजनशिप की जैसे आपने बात की तो जब मैं भी गया हूँ कोई भी उधर जाता है तो एक प्रोसीजर से आप सिटीज़न होते हैं ऐसे नहीं है फिर बाय बर्थ जो सिटीज़न है उसके डिफरेंट राइट्स हैं

ज इज अके ऑफ फ्लावर्स ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी है मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है इसमें किसने कहा सर अगर आपकी बस की बात होती है तो शायद ऐसा नहीं होता नहीं ऐसी बात ही नहीं हम तो हमने कहा कि हम तो साई जेम्स के और शाह लतीफ के फलसे पे काम करने वाले लोग हैं हम तो ये कहते हैं हमारी ये दिल थी ये कुशादा दिली सिंध की थी जिसने इतने लाख लोगों को उस वक्त ही अपनी बाएँ सियासत में आ, सिंध के रिवायती रहने वालों के अलावा कोई गुजराती स्पीकर कोई उर्दू स्पीकर कोई कोई और नया है। तंजीमें हैं बैकग्राउंड पठान है, है वो स्पीकिंग है तो अगर कल मैं चुंदीगढ़ रोड को बर्ंस रोड कहना शुरू हो जाऊं तो उसकी वजह से वो कोई सेम रोड तो नहीं बन जाएंगी सर दो अलग रोडें होंगी लिहाजा मैं किसी कोई किसी की शनाख्त अगर पश्तून है वो उर्दू स्पीकर है वो गुजराती है वो कहीं और का है वो उसकी अगर बस मैं नाम मिटा के कोई और नाम लगा दूँ उसकी वजह से आपके ख्याल में बस ये नाम की बात है एक जबान की बात नहीं नहीं ये बात है एक्ट की एक्ट के आप एक्ट क्या करते हैं आप करते क्या हैं हमें इससे तो कोई इख्त ही नहीं है जैसे हमारे मुतहदा वाले भाई कहते थे कि हम सिंधी हैं ये नाइन्टी वन में जब उन पर ऑपरेशन हुआ था मुतह पे तो वाहिद जे सिंधी थी सां जेम्स एम के फॉलोअर थे जो उनके साथ खड़े हो गए पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी और हमने पूरे ऑपरेशन के टाइम में उनका साथ दिया हम ये कहते थे वो जब कहते थे हम सिंधी हैं हम सिंध के बेटे हैं तो हम कहते थे अली से कि आप सिंध के बेटे हो हम आज भी कहते हैं कि आप सिंध के बेटे हो खुदा होश करो और ऐसे इकदाम ना उठाओ जिसमें जो आपके दूसरे भाई हैं सिंधी बोलने वाले भाई हैं उनको रंज हो वो समझें वो शक की निगाह से आपको देखें अच्छा तो ये शक ये है कि लोकल गवर्नमेंट के आप खिलाफ हैं ये ये शक पैदा करता है सिर्फ लोकल गवर्नमेंट नहीं दूसरे एक्ट भी हैं लेकिन इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है वो लोकल गवर्नमेंट्स का है ऑबियसली अगर आप जेकाबाद के बच्चे को सखर के बच्चे को शिकारपुर के बच्चे को अगर आप कराची में पढ़ने ना दें जेका गाएँ था ना ला में ये गवर्नर अभी भी उस लाह पे अभी उसको उन्होंने ख़त्म किया था लेकिन कह रहे हैं कि फिर गवर्नर को पावर दे के उसको बहाल करेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वो रिपेल करके फिर उसको ऑन किया है इसका मकसद है नौ साल सिंध के तालीमी अदारों में कराची जो उनका कैपिटल

आप हैदराबाद जिसकी 20 15 20 लाख आबादी है उसको तो आप चार जिलों में तकसीम करते हैं जिसको आप खुद क्लेम करते हैं कि इस शहर की आबादी डेढ़ करोड़ से ज्यादा है उसको आप एक जिला बना देते हैं फिर कुछ इसम जो हैं कुछ खाते जो हैं वफाक के हैं कुछ खाते सिंध गवर्नमेंट के हैं आप देखें आइन में दो गवर्नमेंट्स का शेप है, है। गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट सूबा गवर्नमेंट के जो हैं ट्वेल्व इस डिवोल्यूशन के प्लान के तहत वो सारे के सारे चले गए बारह खाते सिंध गवर्नमेंट के चले गए नाजिम कराची के पास जिसने रेवन्यू पुलिसिंग दूसरे कई अहम चीजें जो हैं उसको लेके उसने सिर्फ अपने मकसदों में अपनी जमायत से अपनी कम्युनिटी के सही, लिए सही, उनको खर्च तो कियाफ तो नहीं, नहीं, नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो इनका फेल्यूर है ये तो पीपल्स पार्टी का मुतहदा कौमी मूवमेंट का एन पी का जिनको लोगों ने वोट दे के असम्बली में भेजा साढ़े तीन साल तक वो कोई नई कानून साजी नहीं कर सके भाई कमिश्नरेट सिस्टम रॉन्ग था डिक्टेटर से शुरू हुआ और डिक्टेटर पे ख़त्म हुआ ये भी डिक्टेटर ने शुरू किया तो आप लोग जो चुने हुए लोग हो पीपुल आ, आ, तो सर, सर की मैं मैं आता हूँ ना उसी कि जब आपको पब्लिक चुन के भेजती है तो साढ़े तीन साल में तो आप कुर्सी की रसाकशी में लगे रहे आपने अवामी मसाइल पे तो काम नहीं किया किसी भी बंद लेकिन ने। अवामी मसाइल पे काम करने के लिए लोकल गवर्नमेंट जैसा जैसा काम जरूरी है जब जब वो फरसुदा निज़ाम हो जिसमें डिस्पेरिटी हो जहाँ पे क्लेश पैदा हो मिसाल के तौर पर मैंने आपको कह दिया कि जब हमारा कोई भी तलब इम किसी छोटे शहर का बड़े शहर में अपने कैपिटल टाउन में यह कहाँ का जुल्म है कि अपने कैपिटल टाउन में कैपिटल सिटी में वो तालीम हासिल ना कर सके अंदरू सिंध का डोमिसाइल रखने वाला नौकरी ना ले सके लेकिन सर देखिए सर की साहब ये दे मेरिट मेरिट अगर कह लें कि मर चुका है पाकिस्तान में मेरिट पाकिस्तान में मर चुका है अब दो तरीक़े हैं एक तरीका ये है कि ये आप लोकल गवर्नेंस के तहत जो कि आपको नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर शहर के बाहर कराची शहर के बाहर का इंसान यहाँ आके पढ़ना उसके लिए बदरजे मुश्किल हो जाता है और दूसरा उसके बरक्स जो होता है वो कमिश्नरेट सिस्टम या जो सिस्टम चलता आया है दो हज़ार एक तक उसमें ही होता है कि उसके लिए बदरजा आसान हो जाता है और इतना आसान हो जाता है कि कराची के अंदर कराची के अंदर कोई पढ़ने वाला जो है उसकी अगर सत्तर परसेंट मार्क्स आए हैं बिलफर्ज उसको सीट नहीं मिलती लेकिन कोई रूरल एरिया की सीट पे वो 38% फीसद मार्क या 40% फीसद मार्क लेके भी आ सकता है मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों तरीके दुरुस्त हैं या दोनों तरीके ये दोनों गलत हैं इसकी बीच की सिम ढूंढने में आप तैयार हैं मैं बिल्कुल हम तो ओपन हैं भाई पढ़ा लिखा समाज ये जो ارتका हो रहा है पूरी आ... पूरी दुनिया का होता है पूरी कौमों का होता है हर खत्े का होता है इर्तका के अमल को हम नहीं रोक सकते जितनी एजुकेशन नॉलेज और ज़रूरिया ज़िंदगी बढ़ती हैं आदमी उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करता है तब्दील करता है ये तो लीडरशिप जो असेंबली में बैठी हुई है उनका काम था कि कोई थर्ड प्रोपोजल लाते नहीं लाए हम ये कहते हैं देखें हम हमारी जो स्टैंडिंग है वो ये है कि दो निज़ाम हैं एक मुशरफ वाला एक पहले वाला पहले वाला निज़ाम सही था हमारी निगाह में इसलिए कि उसमें ये कम से कम दूसरे फॉल्ट जरूर हैं लेकिन डिस्पेरिटी नहीं है जो इंडीजिनियस है डिस्पेरिटी आपके लोगों के खिलाफ नहीं है।, है मैं कहता हूं लेकिन ये तो नहीं है कि आपने चार अजला को एक करके एक

हटाओ आप चलो आप ये सिस्टम लेके आ रहे हैं तो आप जो पांच डिस्ट्रिक्ट थी कराची की उनको बहाल कर दो फिर नाजिम बना दो ना पांचों के जो हैदराबाद की असल पोजीशन थी जो 20 लाख का शहर है इस पे कहां पर तो अग... सियासत है ये मुतहदा की जमाने से सियासत है इसमें मुतहदा का मफाद है इसलिए मुतहदा करती है ये बात बिल्कुल ठीक है ये परफेक्शन नहीं है सर लेकिन उसके जो बरक्स जो आप करते हैं वो आपके मफाद में है वो जो थोड़ा मैं 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 जाहिर है सिंध के मफाद सिंधी कौम के मफाद मैं अपनी धरती के मफाद की बात क्यों ना करूं कौम की नहीं, सर जा... अपनी जमात की मफाद की बात मैं कर, वो भी यही कहते हैं कि न... वो नहीं 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 नहीं, नहीं मैं पूरी कौम के मफाद की बात करता हूं जो कौम के हक़ में होगा उस कौम में कोई उर्दू बोलने वाला हो कोई सिंधी बोलने वाला हो कोई बलोची बोलने वाला हो या कोई और जुबान बोलने वाला हो पछतो बोलने वाला हो लेकिन मेरी सिंधी कौम का मफाद यह है कि भाइयों को आप लड़ाओगे एक लकीर खींचोगे तो कभी भी ये मिक्स नहीं होगा ये 72 में ये तजुर्बा हो चुका है जब सिंध को दो लसानी सूबा पीपल्स पार्टी ने करार दिया था आज तक वो मिक्स न बन सका जो बनना चाहिए था जब हम अमेरिका जाते हैं देखे, से देखे देखें 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 देखे, देखे, रियलिटी में रहें हम यूरोप जाते हैं हमारे लोग इमिग्रेंट बन के चले जाते हैं दूसरी जगहों पे यूएसए जाते हैं क्या हम उस सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं या उस सिस्टम में इवॉल्व होते हैं उस सिस्टम में इवॉल्व होते हैं उधर जाते हैं लैंग्वेज सीखते हैं उनके कस्टम सीखते हैं वो एग्जाम्स देते हैं वो उस कानून को फॉलो करते हैं इधर ये हुआ है कि इस धरती के कानून की नफी की जाए इस धरती के अगेंस्ट काम किया जाए बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे सिंधी कौम समझती है सिधी कौम समी के उसके बड़े शहर जो हैं मुशरफ दौर में वो कब्ज़ा करके किसी एक ग्रुप को सियासी रिश्वत पर दे दिए गए हैदराबाद और कराची और अंदरूनी सिंध जो छोटे शहर थे उसमें नए सरदार नए वडेरे नए पॉलिटिकल लीडर्स बना के अपने खातिर तो देखिए ये ये तकदीर के काजी का शायद फतवा है सर कि लोग जो हैं अब जो इलाके हैं उसके अंदर एक तरह की कौमियत बढ़ गई है या एक तरह की कौमियत घट गई है और कौम के बुनियाद पर लसानी बुनियाद पर पाकिस्तान में बिलखसूस इस सूबे में सियासत की जाती है अब जब उस बेसिस पर सियासत करी जा रही है तो आप फिर आपको डिफ़ीट तो इस बात से मिल रही है कि कौम एक इलाक़े में बिलखसूस पनप रही है और आप उसको नहीं देखें मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि ये जो फिफ्टी सेवन थाउजेंड स्क्वायर माइल सिंध है ये किसी शख्स ने या रेजोल्यूशन ने नहीं बनाया ये फितरी अल्लाह का बनाया हुआ मुल्क है जो हज़ारों सालों से जिसकी एक जुदा गाना हैसियत और शनाख्त रही है इस मुल्क ने सिंध ने करारदाद दे के पाकिस्तान बनाया है इसको किसी ने नहीं बनाया इसलिए इसको तोड़ने का इसको फना करने का और इसको इस पर कब्जा करने का हक हम किसी को नहीं देते अच्छा अगर सूबे बनाए जाए इंतजामी बुनियादों पर आप उसके साथ हैं नहीं मैं ए, ए, सवाए सराइकी के जिनको एक अपना पुराना हिस्टोरिक बैकग्राउंड है पता है इसमें मसला क्या है इसराइल के जो लोग हैं वो तो पता है क्या कहते हैं वो कहते हैं जी 2000 साल 2000 साल से कब्जा हुआ है जेरूसलम पर हाँ, उससे पहले यह हमारा था लिहाजा आज भी हमारा हाँ, है तो मारो इन फलस्तियों को निकालो यहां से और ये देख लो वेलिंग वॉल खड़ी है ये हमारा मंदिर ये हमारा था लिहाजा ये हमारा है हाँ, ये दीवार देख लो ये चार आठ हजार साल पुरानी है हाँ, ये हमारा है हाँ, और हम सदा जमाने से यहाँ रहने वाले हैं तो उन्होंने वहां पे एक मुल्क बना लिया तो आप भी इसी तरह की बात कर रहे हैं सर कि देखिए बहुत पुराना था सिंध और उससे पहले कुछ नहीं था और उसकी वजह से बिल्कुल ठीक लेकिन आज अगर आप हिस्ट्री की रियलिटी को नहीं मानेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे दीज आर सही आप इनको डिनाई नहीं कर सकते इन पे ही सारी ये जो दुनिया इवॉल्व हुई है ये जो इर्तका हुई, हुई, हुई है आप कैसे इसको रिजेक्ट कर तो सकते नहीं मैं ये तो डिस्कशन ही नहीं है हमारा नहीं किसका रख, हक है किसका नहीं है लेकिन फलस्तीनियों का बिल्कुल फलस्तीनियों का अपनी लैंड पे राइट है इसी तरीके लेकिन से, वो तो कहते हैं ना कि वो उनकी लैंड नहीं है उससे पहले उनकी लैंड हुआ करती थी कभी जिनका जितना राइट है उनको उतना मिलना चाहिए रास्ता ढूंढना चाहिए अगर आप सूबे बन रहे हैं अगर सराइकियों के लिए नहीं बन रहे बिलफर्स अगर इंतजाम के लिए बन रहे हैं कि जी एक पंजाब है उसमें नौ करोड़ लोग रहते हैं वो अगर एक मुल्क होता तो भी दुनिया के बीस सबसे बड़े तरीन मुमालिक में शिमाल होता उसका बर, आ, के से। वो बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है उसकी, स्टेट है पाकिस्तान, उसकी की तरह सारे सूबे रिवॉल्व करते हैं इसको छोटा करना चाहिए इंतजामी बुनियादों पर आप उसके हक हाँ में है देखें मैं इसलिए अब बात करूंगा कि हम इसलिए हम सराइकियों के मानते हैं लेकिन मैं इस पर अभी कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि मैं उसके जाके करूं और लोग मुझे वही कोट करके कहें कि भाई फिर तो आप सिंध पे डिस्कशन करो सिराय की और सिंध का मसला डिफरेंट है आपके लिए डिफरेंट है सर उनके लिए तो सेम है नहीं नहीं क्यों वो एक वो जबान आ, बोलते वो आ, हैं वो सदा जमाने से वहां रहते हैं वो नज़रअंदाज किए जाते हैं उनको अपना कह रहा हूँ कि उनका राइट है उनका और इधर का फर्क है मैं यही तो कह रहा हूं, लेकिन मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ रहा हूं। ये पीपल्स पार्टी ने अपने अपनी, अपनी मार्क्स गेन करने के लिए अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए ये सारा डिस्कशन उछाल के एक नया माहौल पैदा कर दिया है जहां उनको काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है जहां उनको घुटने नहीं टेकने चाहिए थे वो उन्होंने टेक दिए हैं और अब ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है उन्होंने जिसको वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे सही डॉक्टर साहब की एक ब्रेक लेंगे सर ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूँगा कि सिंध जो एक सूबा है वो कभी मुंबई तक हुआ करता था और उसको फिर छोटा किया गया वो इसके अंदर आप तंजीमी बुनियादों पर ही सही आप, आप नहीं चाहते कि उसके हिस्से हों या ना हो इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद आप लोग देख रहे हैं सियासत मना है आप अगर इस शो को इससे पुराने शोज को देखना चाहें सबूबों के सिलसिले में आप कोई अपनी राय देना चाहें उसके ऊपर कोई डिस्कशन शुरू करना चाहें तो आप फेसबुक पर पे हमारे पेज पर पे जा सकते हैं फेसबुक डॉट कॉम स्लैश सियासत मना है अगर आप फेसबुक डॉट कॉम सियासत भी सर्च करेंगे तो यू शुड भी एबल टू फाइंड इट लाइक इफ यू डू लाइक इट एंड दट इज नो वट यू थिंक बैक यू आफ्टर ब्रेक